हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज देखिएगा, फिर से हम एक रिक्वेस्टेड वीडियो बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीका से। यहाँ पर इसको मैंने देखिए, आपको देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आप। मैंने इसे 20 फंदों से आपको बताया था, आज हम इसको 40 फंदों से बनाएंगे, यानी कि इससे डबल हम फंदे रखेंगे इसमें। और देखिएगा, फंदों का मैंने आपको इस वीडियो में भी सारा तरीका बताया था कि फंदों को आपको किस तरह से रखना है। इस वीडियो में भी हम इसको अच्छे से देखेंगे कि हमें यहाँ पर फंदे किस तरह से रखने हैं। तो यहाँ पर ये 3 कलर में हमने इसको बनाया है। यहाँ पर देखिए, आज मैंने इसके लिए रेड, रोजी और येलो कलर लिया है और 9 नंबर की नीडल ली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे और इस डोरमेट को बनाना सीखेंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है, आप भी इसको इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, आपको ध्यान से देखना है कि आपको इस डोरमेट को किस तरह से बनाना है। यहाँ पर राइट साइड से हम इसमें देखिएगा फंदा बढ़ाएंगे और राइट साइड से हम फंदे को इसमें छोड़ेंगे और रॉन्ग साइड से हम इसमें कलर चेंज करेंगे। और देखिए, आपको धागों को इस तरह से देखिएगा फिनिशिंग के साथ इसमें सिक्योर करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमने इसमें लेस भी बनाई है 2 कलर की, तो इस लेस के साथ ही हम इस डोरमेट को बनाना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे और इस पायदान को बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम रेड कलर से फंदे डालेंगे इसमें। यहाँ पर एक नॉट लगा लेंगे, ये देखिएगा। नॉट लगाने के बाद यहाँ से हम इसमें एक फंदा हमारा ये हो गया। अब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 फंदे हमने रेड कलर से डाल लिए। अब यहाँ येलो कलर लगाएंगे और यहाँ से भी इसमें नॉट लगाएंगे, ये देखिएगा। यहाँ से नॉट लगाते हुए अब हमें येलो कलर के साथ यहाँ पर 32 फंदे डालने हैं। तो देखिए, एक फंदा हमारा ये हो गया। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। तो यहाँ पर हमने 32 फंदे येलो कलर से डाले हैं और 8 फंदे हमने यहाँ पर रेड से डालने हैं। तो आपको फंदों का हिसाब इस तरह से रखना है, 8 फंदे अगर आप यहाँ पर रखते हैं, यानी कि 40 फंदों पर आप बना रहे हैं, तो आपको 8 फंदे यहाँ पर रखने हैं। और देखिएगा, 8 को डबल करेंगे तो 16, और 16 को डबल करेंगे तो 32, 32 फंदे हमारे यहाँ पर आएंगे। तो 32 और 8 टोटल 40 फंदे हो गए हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा, आप पहली सिलाई हम उल्टी तरफ से बनाएंगे। तो यहाँ से देखिएगा, हमें सारे फंदे बनाने हैं, यानी कि जो येलो कलर के फंदे हैं वो येलो कलर से बनाएंगे और जो रेड के फंदे हैं वो रेड से बनाएंगे। तो यहाँ से आपको पहली सिलाई को बहुत ध्यान से बुनना है। ये देखिएगा, इस तरह के फंदों पे पहली सिलाई आप थोड़ा सा हाथ को रोकते हुए बनाएंगे। तो यहाँ से देखिएगा, मैं ये सारे पीले कलर के फंदे बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि रेड कलर के फंदे हमें आगे कैसे बनाने हैं। तो देखिएगा, यहाँ से ये हम फंदे यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये येलो कलर के हमने फंदे सारे बुन लिए। अब ये रेड के बनाएंगे, उल्टी सिलाई है तो यहाँ से सामने से ही धागे को ऐसे क्रॉस करेंगे और ये बाकी के जो 8 फंदे रेड के हैं वो रेड से बना लेंगे। पर एक बात आपको याद रखनी है कि जितने फंदे आप ये इधर लेस के डालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर 8 फंदे डाले हैं, तो यहाँ पर 8 ही फंदे हमें बढ़ाने हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अब हम यहाँ से सीधे साइड से फंदा बढ़ाएंगे। तो देखिए, फंदा बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर देखिएगा, धागे को ऐसे नीडल पर लेते हुए फंदे को बढ़ाएंगे और यहाँ से जो फंदे रेड के हैं वो रेड से ही रहेंगे। यानी कि लेस के फंदों में हमें इधर से कुछ नहीं करना है, इधर से हमने जितने फंदे रखे थे इतने ही रखने हैं। बस एक एक करते हुए हमें इसमें 8 फंदे बढ़ाने हैं, यानी कि जितने फंदे रखते थे हम इतने ही फंदे इसमें बढ़ाएंगे। अब देखिएगा, यहाँ से जो येलो कलर के फंदे हैं वो येलो से बनाएंगे और लास्ट में एक फंदा बगैर बुना छोड़ेंगे। तो इस डोरमेट में हमें लास्ट में एक फंदा बगैर बुना छोड़ना है। तो यहाँ से देखिएगा, सीधी साइड से ही हमें फंदे को छोड़ना है। तो यहाँ से बनाते हुए लास्ट तक जाएंगे, ये देखिएगा, यहाँ तक हमने फंदे बना लिए। लास्ट के फंदे को बगैर बुना छोड़ देंगे, सिलाई को टर्न करेंगे और देखिएगा,
सीधे यहाँ पर उल्टी सिलाई में देखिए एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और यहाँ से जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। आप देखिएगा यहाँ से सीधी सिलाई, इसे यहाँ से एक फंदा बढ़ाएंगे। अब बाकी के फंदे जितने भी हैं रेड से बनाएंगे। ये देखिएगा धागे को बैक साइड में ले जाकर क्रॉस करेंगे और अब यहाँ से हम येलो कलर के साथ फंदे बनाएंगे और यहाँ से फंदों को बनाते हुए जाएंगे और लास्ट में फिर से हम एक फंदा बगैर बुना छोड़ देंगे। तो इस तरह से हम हर बार एक एक फंदा सीधी सिलाई में बढ़ाएंगे और लास्ट में एक फंदा बगैर बुना छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर टोटल 8 फंदे बढ़ाने हैं। देखिएगा ये देखिएगा लास्ट में एक फंदा बगैर बुना छोड़ेंगे सिलाई को टर्न करते हुए। उल्टी सिलाई में जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिएगा एक बार फिर से देखिएगा एक फंदा बढ़ाएंगे यहाँ पर और यहाँ से रेड से बनाते हुए जहाँ तक रेड के फंदे हैं रेड से बनाएंगे और बाकी के फंदे येलो से बनाते हुए लास्ट में एक फंदा बगैर बुना छोड़ देंगे। तो देखिएगा इस तरह से हम यहाँ पर टोटल 8 फंदे बढ़ा लेते हैं और 8 ही फंदे छोड़ देते हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। तो यहाँ से इस तरह से ये देखिएगा अभी हमने यहाँ पर 3 पीछे 8 3 फंदे बढ़ाए हैं। तो अभी टोटल 8 फंदे बढ़ा लेते हैं फिर आगे का प्रोसेस देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पर देखिएगा एक एक करते हमने 8 फंदे बढ़ाए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं और 8 फंदे हमारे पहले से थे और यहाँ पर एक एक करते हुए हमने 8 फंदे छोड़ दिए हैं। आप देखिएगा यहीं से वापस हो जाएंगे और आप देखिएगा ध्यान से एक फंदा बगैर बुना उतारते हुए जहाँ तक भी हमारे येलो कलर के फंदे हैं वहाँ तक हम इनको बना लेंगे। ध्यान से देखना है आपको अब इस सिलाई में हमने 8 फंदे रेड कलर से डाले थे और 8 ही फंदे हमने इसमें बढ़ाए हैं और लास्ट में 8 ही फंदे हमने छोड़े हैं एक एक करते हुए। तो देखिएगा यहाँ से ध्यान से देखिएगा यहाँ से येलो कलर से बनाते हुए जाएंगे। देखिएगा और अब हम यहाँ से जो हमने फिरोजी कलर लिया था उसको ऐड करेंगे। आप जो भी कलर लेते हैं उसके साथ इसको यहाँ से ऐड कर लीजिएगा क्योंकि हमने यहाँ लेस में देखिएगा हाफ पत्ती एक कलर से बनाई है हाफ पत्ती एक कलर से बनाई है। तो यहाँ से फिरोजी को ऐड करते हुए अब हम जितने भी रेड के फंदे हैं ये सारे फिरोजी से कर लेंगे। ये देखिएगा तो यहाँ से ये हमारे 16 फंदे हैं रेड के ये फिरोजी से करेंगे। ये देखिएगा अब ध्यान से देखिएगा हमने जो फंदे एक एक करते हुए 8 फंदे बढ़ाए थे अब हमें यहाँ पर फंदों को घटाना है और एक एक करते हुए घटाएंगे। यहाँ से देखिएगा 2 फंदों का एक कर देंगे। अब बाकी के जैसे फंदे नजर आएंगे ऐसे ही बनाने हैं। ये देखिएगा फिरोजी फंदे ये जितने भी हैं फिरोजी से ही बना लेंगे। और यहाँ से देखिएगा बैक साइड में धागे को लेकर जाएंगे और क्रॉस करते हुए येलो कलर के धागे को आगे लाएंगे। यहाँ पर हमें सिंपल जैसे हम बना रहे थे ऐसे ही बनाना है। येलो कलर से बनाते हुए लास्ट में एक फंदा बगैर बुना छोड़ेंगे। सिर्फ हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में चेंज किया है कि हम यहाँ फंदे को अब घटा रहे हैं। येलो कलर में हमें कुछ नहीं चेंज करना है। लास्ट में एक फंदा बगैर बुना छोड़ देंगे। यहाँ से देखिएगा 8 फंदे हमारे पहले छुटे हुए थे एक फंदा हमने और छोड़ दिया। यहीं से वापस हो जाएंगे और जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाते हुए सिलाई को कंप्लीट करेंगे। यहाँ से फिर से देखिएगा 2 फंदों का एक करेंगे। अब बाकी के फंदे फिरोजी से ही बनाते हुए देखिएगा। तो इस तरह से अब हमें यहाँ पर
हर सीधी सिलाई में एक एक करते हुए फंदे को घटाना है, जब तक कि हमारे 8 फंदे जो हमने बढ़ाए थे वो घट नहीं जाते। हम इसी तरह से फंदों को घटाएंगे और येलो कलर से हम फंदों को बनाते हुए लास्ट में एक फंदा बगैर बुना छोड़ देंगे। तो अब हमें सिंपल इसी तरह से बनाना है, ये देखिएगा इस तरह से बनाते हुए जाएंगे। तो ये भी मैं फंदे घटा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह एक क्लिक करते हुए हमने यहाँ पर 8 फंदे घटा दिए हैं। अब हमारे यहाँ पर जो 8 फंदे हमने डाले थे वही 8 फंदे हैं, और यहाँ से भी हमने एक एक करते हुए देखिएगा, यहाँ से पहले 8 फंदे घटाए कम किए थे, ये देखिएगा आप फिर से 8 फंदे कम कर दिए, तो 16 फंदे हमने यहाँ एक एक करते हुए छोड़ दिए। अब हमारे यहाँ पर 16 फंदे हैं और 8 फंदे ये हैं। अब देखिएगा क्या करेंगे, अब यहाँ से एक फंदा बगैर उतारते हैं, तो येलो के फंदे हैं, येलो से बनाएंगे। अब यहाँ से हमें फिर से कलर को चेंज करना है, यानी जो फिरोजी फंदे हैं वो हमें रेड से बना लेने हैं। तो यहाँ से येलो से हम इसी तरह से बनाएंगे, ये देखिएगा। और अब हम ये 8 फंदे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग, फिरोजी वाले हम रेड से कर लेंगे। यहाँ से देखिएगा धागे को हमने यहाँ पर क्रॉस कर लिया था ताकि धागा लंबा नहीं छूटे। अब हम यहाँ से ये फंदे रेड से करेंगे, ये देखिएगा। फिर से हमें लेस बनानी है, जैसे हमने पहले बनाई थी इसी तरह से बनाएंगे, यानी कि अब हम यहाँ पे सीधी साइड से फंदे को बढ़ाएंगे, जैसे हमने पहले फंदा बढ़ाया था, एक फंदा यहाँ से देखिएगा बढ़ा लेंगे, और जो फंदे रेड के हैं रेड से बनाएंगे, और जो फंदे येलो के हैं येलो से बनाएंगे, और लास्ट में फिर से हमें फंदे को बगैर बुना छोड़ना है। यानी कि लेस में हमें बार बार चेंजिंग करनी है, लेकिन येलो कलर में हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, बस एक एक फंदा हमें छोड़ते हुए जाना है। देखिएगा यहाँ से फिर से हम लास्ट में एक फंदा बगैर बुना छोड़ देंगे, देखिएगा यहाँ से। यहाँ से एक फंदा बगैर बुना छोड़ देंगे, यहीं से वापस हो जाएंगे, और जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाते हुए सिलाई को कंप्लीट करेंगे। देखिएगा यहाँ पर फिर से हम फंदा बढ़ाएंगे, और यहाँ से फंदा बढ़ाते हुए जो फंदे रेड के हैं रेड से बना लेंगे। तो इस तरह से हमें फिर से एक एक करते हुए 8 फंदे बढ़ाने हैं, और येलो कलर में हमें 8 फंदे और छोड़ने हैं। तो इस तरह से यहाँ से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ से एक फंदा बगैर बुना छोड़ देंगे। तो इस तरह से हम फिर से एक एक करते हुए यहाँ पर 8 फंदे बढ़ा लेते हैं, और यहाँ से एक एक करते हुए 8 फंदे और छोड़ देते हैं, यानी कि 2 फंदे मैंने यहाँ पर छोड़ दिए, 2 फंदे यहाँ बढ़ा लिए, तो 6 फंदे और बढ़ा लेते हैं और 6 फंदे और इधर छोड़ देते हैं। तो लास्ट में हमारे पास देखिएगा यहाँ पर 8 फंदे येलो पे रह जाएंगे, और यहाँ पर हमारे 16 फंदे रेड के बन जाएंगे। तो ये बना लेते हैं जैसे हमने यहाँ पर बनाए थे, फिर आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिएगा हमने एक एक करते हुए फिर से 8 फंदे बढ़ा लिए हैं, और यहाँ से एक करते हुए 8 फंदे छोड़े हैं। तो अब लास्ट में यहाँ पर हमारे देखिएगा येलो कलर के 8 फंदे हैं, और ये हमारे 16 फंदे हैं, तो यहीं से वापस हो जाएंगे। अब देखिएगा एक फंदा बगैर बुना उतारते हुए यहाँ से ये फंदे येलो से ये बना लेंगे, और अब फिर से हम कलर को चेंज करेंगे। देखिएगा यहाँ से हम ये फिरोजी कलर लगाएंगे, ये देखिएगा, और इसके साथ जितने भी रेड के फंदे हैं ये हम फिरोजी से कर लेंगे। तो इस तरह से आपको इस लेस में हाफ हाफ कली इस तरह से बनानी है, ये देखिएगा। अब यहाँ से देखिएगा हम फिर से फंदे को कटाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर कटाए थे फिरोजी में, अब फिर से हम यहाँ पे एक एक करते हुए हमें यहाँ पर फंदों को घटाना है। तो देखिएगा 2 का 1 कर दिया हमने, और जो फंदे फिरोजी के हैं फिरोजी से बनाते हुए जाएंगे, ये देखिएगा। यानी कि जितने भी हमने फंदे बढ़ाए थे 8 फंदे, वो अब हम एक एक करते करके फिर से घटाएंगे, और येलो कलर में जैसे हम बना रहे थे ऐसे ही बनाएंगे, यानी कि फंदों को येलो कलर से बनाते हुए लास्ट में एक फंदा देखिएगा बगैर बुना छोड़ेंगे। और आपको धागों को यहाँ पर क्रॉस जरूर करना है इस तरह से, देखिएगा ताकि होल ना आए। यहाँ से हम देखिएगा
लास्ट में एक फंदा बगैर बुना छोड़ देंगे। ये देखिएगा सिलाई को टर्न करते हुए, अब उसकी सिलाई में जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाएंगे। एक बार फिर से देखिएगा सीधी सिलाई में दो फंदों का एक करेंगे और यहाँ से जो फंदे फिरोजी के हैं फिरोजी से ही बनाएंगे। और यहाँ से देखिएगा येलो कलर से बनाते हुए लास्ट में एक फंदा बगैर बुना छोड़ देंगे। तो देखिएगा इसी तरह से हमें फंदों को यहाँ पर एक एक करते हुए घटाना है। जब आठ फंदे हमारे घट जाएंगे यानी कि लास्ट आठ फंदे फिरोजी हमारे रह जाएंगे और इधर से हमारे सारे फंदे येलो के छुट जाएंगे, तब हम देखिए बताएंगे कि किस तरह से आगे इसको कली को बनाना है। तो यहाँ पर देखिएगा हमने एक करते हुए यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः सात फंदे घटा दिए। अभी हमें एक फंदा और घटाना है और येलो के हम यहाँ से कम करते हुए है तो लास्ट एक फंदा येलो का रह गया है। अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा दो फंदों का एक कर देंगे तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ फंदे टोटल हमारे ये फ्रोजी से रह गए हैं। जो आठ फंदे हमने स्टार्टिंग में यहाँ से डाले थे वही आठ फंदे रह गए। अब धागे को बैक साइड में ले जाएंगे, येलो कलर के धागे को आगे लाएंगे और अब हम यहाँ से जितने भी फंदे हमने छोड़े थे वो सारे बना देंगे यहाँ से। यानी कि करते हुए हमने जितने फंदे छोड़े थे वो सारे यहाँ से बनाएंगे, लास्ट तक हम ऐसे ही बना लेंगे इसको। देखिएगा लास्ट के फंदे तक सारे फंदे बुनेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह से हमारी एक कली कंप्लीट हुई है और एक कली में दो हमारी लेस बनकर आएंगी ये इस तरह से देखिएगा। और जब नेक्स्ट पत्ती को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से पूरी सिलाई को हम येलो कलर, यहाँ से येलो कलर से जितने पन्ने बनाएंगे और यहाँ से देखिएगा कलर को चेंज कर देंगे यानी कि रेड कलर को ऐड करेंगे और फिर से हमें फंदों को बढ़ाना है। आठ पन्ने बढ़ाएंगे फिर से आठ पन्ने घटाएंगे और यहाँ पर लास्ट तक हमें एक एक फंदा छोड़ते हुए जाना है। तो इस तरह से हमारी ये पत्ती इस तरह बनेगी 40 फंदों में। तो इसको आप बनाइएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरे डोरमेट के डिजाइन पसंद आते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डोरमेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।